हेलो दोस्तों, एनबीटी देख रहे हैं आप। आज हम आपको कोकोनट मस्टर्ड राइस बनाने की आसान सी रेसिपी दिखाने जा रहे हैं। लंच या फिर डिनर के लिए ये रेसिपी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसे बनाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता, साथ ही ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए सीखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले 8 से 10 तेल में तली हुई लाल मिर्च को लेकर मिक्सी जार में डाल लें। अब इसमें 1 कप बारीक कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें, फिर 1 चम्मच राई, थोड़ी इमली और 2 चम्मच गुड़ पाउडर डालें। ध्यान रखें कि इमली बिना गुठली वाली ही हो। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को पीसकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब एक पैन में 1 कटोरी तेल गर्म करें, इसमें 1 चम्मच राई डालें। इसके बाद 2 चम्मच चना दाल और 1 चम्मच उड़द की दाल डालें। अब इसमें 1/2 कप मूंगफली डालकर 3 से 4 मिनट के लिए भून लें। इसके बाद 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, चुटकी भर हींग और कुछ करी पत्ते डालकर भून लें। अब इसमें 1 बड़ी कटोरी पके हुए चावल डालकर मिक्स करें। चावल को मध्यम आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। आखिर में टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। 3 से 4 मिनट तक और पकाएं, फिर गैस बंद कर दें। कोकोनट मस्टर्ड राइस रेडी है। इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लें। कोकोनट मस्टर्ड राइस को आप रायता, इमली की चटनी, धनिया की चटनी या फिर रसम के साथ परोस सकते हैं। अगर लंच या फिर डिनर में कुछ टेस्टी खाने का मन है और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो ये डिश एक स्मार्ट आइडिया हो सकता है। ये डिश ट्रैवलिंग पर्पस के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। आप इसे आसानी से डब्बे में पैक कर सकते हैं। तो कोकोनट मस्टर्ड राइस की ये आसान सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो लाइक का बटन दबाइए, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करें NBT। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है NBT हिंदी न्यूज़।